मुंह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जो द्वासांग जिनवानी माता की जय। आइए अब सभी पूजन कार्यक्रम के लिए अपनी मानसिकता बना लें। सर एक माइक और दे दीजिए महिलाओं की तरफ। हाँ हम लेडीज को बुलाते हैं। सरिता एक माइक ले लेना, माइक साथ देने के लिए। किताब दे रहे हेलो। चलिए सभी लोग पहले सबसे पहले 2400 भगवान के चरणों में समर्पण। जल फल आठो सूची सा ताको अर्घ करो, तुमको अर्पो भविता भवितरी मोक्ष वरो। पद जज तहरत भव फन पावत मोक्ष मही। ओम निम से भी समाधि वीरांत अनपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वामित। अब आचार्य विमल सागर जी के अर्घ। आचार्य विमल सागर जी के चरणों में अर्घ लेकर। उदक चंदन तांदुल पुष्पिक चरु सुदीप सुधूप फलार्घ गई। धवल मंगल गान रवा कुले दिन ग्रहे मुनि राज महम गजे। ओम रूम चले अजय सतेंद्र जी अजय विमल सागर जी के चरण में लेकर आइए। माइक संगीता जी आप ले लीजिए, माइक संगीता जी को दीजिए। उदक चंदन तांदुल पुष्पिक चरु सुदीप सुधूप फलार्घ गई। धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए मुनि राज महम।
अमरुम वासल रत्नाकर परम पूज्य 108 आचार्य श्रीमद सागर सूर्य प्रभु नमः रक्त प्राप्त अर्घम निर्वामित। अब आचार्य विमल विराग सागर जी महाराज के चरणों में लेकर शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाव का है चंदन, गुरु वंदन ही अक्षत है, भक्ति सुमन का अभिनंदन, मन वचितन से आत्म समर्पण, मोह छोभ का समन करो, परम पूजिया चार शिरो मन, विराग सिंधु जी को नमन करो, विराग सिंधु जी को नमन करो, विराग सिंधु जी को नमन करो। ओम रूम परम पूज 108 गणाचारी श्री विराग सागर जी सूर्य भी नमः। विराग सागर सूर्य भी नमः। अनेक पद प्राप्त अर्घम निर्वामित। अब आमंत्रित कर रहा हूं सभी भैया जी लोगों को हमारे बीच विराजमान परम पूज 108 परमेश्वर विशुद्ध सागर जी महाराज जिनका 15वां आचार्य पदारोहण दिवस मनाने के लिए आज हम लोग इस जंगल में मंगल करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी लोग सभी भैया जी लोग आमंत्रित हैं। थोड़ा सा एक रास्ता बना दें, भैया जी लोग वहां से लेकर आएंगे पूरे भक्तिभाव से। सभी लोग आगे में ध्वज रहेगा चवर लेकर सभी लोग। गुरुवर तेरा द्वार, गुरुवर तेरा द्वार, ये तो सारे जहां में प्यारा है, गुरुवर तेरा द्वार, गुरुवर तेरा द्वार, ये तो सारे जहां में न्यारा है, तू ही तो एक सहारा है, चैतन्य चमत्कारी बाबा, तुम चिदानंद चिद रूपी हो, शुद्धतम तत्व आराधक, निज तुम निजानंद निज रूपी हो, समरसी भाव में लीन सदा, निष्प्रिय योगी शिव गामी हो, हे जिन शासन के उज्जवल ध्वज, तुम दिग दिगंत अभिरामी हो, अरिहंतों का समव शरण, ना देखी हमने सिद्ध शिला, यह सभा आपकी समव शरण, यह ध्यान शिला ही सिद्ध शिला, हे गुरुवर हमें प्रसन्न करो, अब और अधिक ना तरसाओ, मेरे जीवन के प्राण आप, प्राणों में आप समा जाओ, गुरुवर तेरा द्वार। ओम ह्रीम ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर मुनिन्द्राय अत्र अवतरोतर सम्भूषतेत आह्वाहनम्। ओम ह्रूम आचार्य श्री विशुद्ध सागर मुनिन्द्राय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम्। ओम ह्रूम आचार्य श्री विशुद्ध सागर मुनिन्द्राय अत्र मम सन्निहितो भव भव वसत् सन्निधि करणम्। पुष्पां जलिम क्षिपामि। मोबाइल सबों के पास है ना, उसमें आध्यात्म योगी आप खोलिए। सब में पूजन है, थोड़ा सा खोल लीजिए आध्यात्म योगी में। और एक महिलाओं का माइक चालू। अच्छा अब जल लेकर आ रहे हैं पन्ना से पधारे हुए गुरु भक्त। सभी गुरु पन्ना से पधारे हुए सभी गुरु भक्त आमंत्रित हैं। चारित्र हिमालय से निर्झर यह सम्यक ज्ञान सुगंगा है, जो शीतल निर्मल वाणी दे, करती रहती मन चंगा है। मैं जन्म जरा का रोगी हूँ, तुम उत्तम वैद्य कहते हो, निज ज्ञान मई औषधियाँ दे, सब जग के रोग मिटाते हो। आइए जल लेकर, जल लेकर शीघ्रता से आएंगे। ओम ओम ह्रूम नमो आयरियारम श्रीमद आचार्य परमेष्ठी विशुद्ध सागर मुनिवरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय
जलम निर्विपामिते स्वाहा। चंदन लेकर आमंत्रित कर रहा हूँ गहिला गया से महिला समाज के सभी लोगों को। गुरुवर तेरा नाम, गुरुवर तेरा नाम हमको दो जहाँ से प्यारा है। गुरुवर तेरा नाम, गुरुवर तेरा नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। जीवन का सहारा है गुरुवर तेरा नाम। मलिया गिरी चंदन सम शीतल है आप सुगंधित भूतल पर। गुरु भक्त भ्रमर मंडराते हैं तेरी चरिया पर झुक झुक कर। उपसर्गों के विषधर लिपटे विषपान किया अमृत सींचा ऐसे अमृत बरसाई की करता है जग चंदन पूजन। एक तेरा नाम मेरे जीवन का सहारा है, मेरे जीवन का सहारा है श्री गुरुवर का नाम। श्री गुरुवर का नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। श्री गुरुवर का नाम। ओम ह्रूं नमो आयरियाणम आचार्य परमेष्टि विशुद्ध सागर मुनिवरेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्विपामिते स्वाहा। गया समाज के सभी पुरुषों का आमंत्रित है। गया समाज के पुरुष वर्ग, हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिश दे हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिश दे हो। सर्दी गर्मी और बरसात तुम्हें अपने में रहते हो। ख्याति पूजा से क्या लेना, क्या नाम चित्र संरचना से। जो समा शरण में नित रमते क्या काम करे जग रचना के। हे भक्ति कामना हे के आप अक्षय ख्याति भंडार बनो। अरिहंत बनो या सिद्ध बनो मेरे शिव पथियाधार बने। ओम ह्रूं नमो आयरियाणम श्रीमद आचार्य परमेष्टि विशुद्ध सागर मुनि वरेभ्यो अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतां निर्विपामिते स्वाहा। विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। पुष्प लेकर के सभी ब्रह्मचारी भाई आएंगे और पुष्प लेकर के गुरुवर के चरणों में श्री चरणों में अर्पित करेंगे। और सभी भाई पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं, खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। गुरुवर हमको दीजिए। सभी के हाथ ऊपर होकर तालियों के साथ पूज्य पाठ के पूजन संपन्न करेंगे। सभी लोग दोनों हाथों से अपनी मीठी मीठी तालियां देंगे हमारे साथ में। हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। चैतन्य वाटिका में सुरभित चुनकर अध्यात्म पसून लिए तब महक उठी प्रवचन बगिया। अध्यात्म रसिक रस पान किए जिन धर्म का सौरभ फैल रहा सब दिग दिगंत धरती अंबर। अर्पित करता सुमना बलिया हे परम पूज मेरे गुरुवर। चाहे सुख में रखिया दुख में, चाहे सुख में रखिया दुख में बस थामे रहना हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। ओम ह्रूं नमो आयरियाणम श्रीमद आचार्य परमेष्टि विशुद्ध सागर मुनिवरेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय
पुष्पम निर्विपामिते स्वाहा। देखिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो बाहर से आ गए काफी थक गए हैं, थक गए हैं ना, नैवेद्य लेकर के। तो फिर या तो मोबाइल पकड़े हुए हैं, वैशाली नगर, भिलाई दुर्ग, जसपुर और कुरकुरी से जो भी महानुभाव आए हैं वो सभी यहाँ आएंगे और गुरु चरणों में नैवेद्य समर्पित करके अपना अहोभाग्य सजोएंगे। राहुल भाई, लोग कह रहे हैं कि जब कैमरा में आना ही नहीं है, 178 देश के लोग देखेंगे तो क्या फायदा भक्ति दिखाकर, तो बीच में कैमरा घुमा लिया करो, थोड़ा सा हो जाएगा। तेरे चरणों में आए भक्ति के पुष्प हलाए, कैसे गुरुवर तेरे चरणों में आए भक्ति के पुष्प हलाए, हर नौ में तेरे आए, ये गुरुवर तो तुम्हारा वंदन है, चरणों में अभिनंदन है, गुरुवर तो शत शत वंदन है, चरणों में समर्पित जीवन है, निज ज्ञान ध्यान वैरागी सहज अर स्वानुभूति में नचे पचे, निज निजानंद चैतन्य मय अध्यात्म रस में रसे रचे, चैतन्य रसो का मिश्रण घर निज मन नैवेद्य बनाया है, भव के शुदा मिटाने को गुरुपद नैवेद्य चढ़ाया है, मैं तुम सबने को अब भेद ज्ञान प्रकटाऊं, तुम चरणों में आकर के गुरु सम्यक दर्शन पाऊं, ऐसा तो हमारा गुरुवर है, चरणों में समर्पित जीवन है, बोलो ऐसा तो हमारा गुरुवर है, चरणों में समर्पित जीवन है। ओम ह्रूं नमो आयरियाणम श्रीमद आचार्य परमेष्टि विशुद्ध सागर मुनिवरेभ्यो क्षुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामिते स्वाहा। और जिसके गुरु से मत कहना गुरुवर, हम दिल की बात बताते हैं, किसी से मत कहना गुरुवर, हम दिल की बात बताते हैं, घर जाने को मन नहीं करता, पास में जब आ जाते हैं, वाणी का कहे करिश्मा, वाणी का कहे करिश्मा, या त्याग का कहे प्रताप, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, ओ तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। दीपक लेकर के आएंगे जो श्री आदिनाथ चैनल से श्री राजेश जी और श्री पवन जी, दिलीप जी, गुरु भक्त गोलू भैया, नरेंद्र भैया सागर के सभी गुरु भक्त परिवार यहाँ पर आकर गुरु चरणों में दीपक अर्पित करके अपना सौभाग्य सजाएंगे। मेरा यह प्रसन्न के दर्शन में चेतन दीप जलाता हूँ, कर्मों के काले रजने को समकित से दूर भगाता हूँ, सम्यक श्रद्धा से अलौकिक गुरु गुण आरतिया गाता हूँ, निर्ग्रंथों की आरतिया कर निर्ग्रंथ भावना भाता हूँ, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाए अंधियारी रात गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ गुरुवर हमको दीजिए, जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, मेरा प्रिय सम्यक दर्शन यह मैं चेतन दीप जलाता हूँ,
कर्मों की काली रजनी को समकित से दूर भगाता हूँ। सम्यक श्रद्धा से आलोकित गुरु गुण अंत आरतियां गाता हूँ। निर्ग्रंथों की आरतियां कर निर्ग्रंथ भावना भाता हूँ। ओम ह्रूम नमो आयरियाडम श्रीमद आचार्य परमेष्टि विशुद्ध सागर मुनिवरेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्विपामिते स्वाहा। गुरुवर की स्तुति कर धूप लेकर के छिंदवाड़ा टीकमगढ़ और चतरा से जो भी गुरु भक्त परिवार यहाँ पर पधारे हैं वो गुरु चरणों में चढ़ा करने के लिए धूप लेकर आएंगे। गुरुवर की स्तुति करने से कट जाते जन्मों के पाप, मन में भाव बहुत है लेकिन शब्द नहीं है मेरे पास। गुरु जीवंत रहे मेरे गुरुवर, जीवंत रहे मेरे गुरुवर और जी हजारों साल। गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। शुद्धात्म ध्यान की ज्वाला में कर्मों की धूप जलाते हो, पल पल शिन शिन निस दिन सम्यक शुद्धोपयोग ही धाते हो। तुम महाहवि यही महायज्ञ निज कर्मों को स्वाहा कर लो। मैं अशरीरी अविनाशी सुख निज सिद्ध अवस्था को भर लो। ओम ह्रूम नमो आयरियाडम श्रीमद आचार्य परमेष्टि विशुद्ध सागर मुनिवरेभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्विपामिते स्वाहा। अब फल लेकर के छतरपुर से गुरुभक्त परिवार एवं रफीगंज कोडरमा से जो भी मुनि भक्त यहाँ पर पधारे हैं वो गुरु चरणों में चढ़ाने के लिए फल लेकर के आएंगे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हाँ हाँ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। यह नर्तन का फल रत्न त्रय हो धन्य भाग्य तुमने पाया। रत्न त्रय का फल शिव फल है यह बीज हृदय में उग आया। मेरा श्रावक कुल धन्य हुआ और धन्य हुई है नरकाया। पूजा कर रत्न त्रय पाओ शिव फल पाने मन ललचाया। तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा तुझको आग लगाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओम ह्रूम नमो आयरियाडम श्रीमद आचार्य परमेष्टि विशुद्ध सागर मुनिवरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्विपामिते स्वाहा। अर्घ लेकर के गया से महिला मंडल, सभी महिला मंडल के जो भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं यहाँ पर आकर के गुरु चरणों में अर्घ समर्पित करेंगे। चलिए भैया जी। हाँ जी, ये जो अर्घ जितने सदस्य है ना, इन महिलाओं ने खासकर पाठशाला परिवार के लोगों ने काफी मेहनत किया है, एक बार पुनः उनका बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यवस्था में समय निकालते हुए। आइए इधर आइए बाबा भैया। कोडरमा से आइए सुरेश झांझरी जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो आकर के गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। सुनेंगे मेरे गुरु की वाणी हो, मेरे गुरु की वाणी जग कल्याणी कहती माँ जिन वाणी। मेरे गुरु की वाणी
कल्याणी कहते माँ जिनवाणी मेरे गुरु की वाणी मेरे गुरु की वाणी चैतन्य तीर्थ के निर्माता तुम भगवत्ता बतलाते हो मेरा भगवान ही मुझ में ऐसा शुद्धता दिखलाते हो आ गया काल फिर से चौथा या फिर बसंत बहराया निर्गंध दिगंबर मुद्रा में यह शुद्ध संत अब पाया है तन से विशुद्ध मन से विशुद्ध चैतन्य विशुद्ध करने वाले मन के विशुद्ध संसारों से जग विपदाएं हरने वाले तुम हो नर्ग चर्या नर्ग चर्चा नर्ग मंगलकारी मैं अर्घ चढ़ाता हूँ तुमको तुम तीर्थंकर सभी मेरे गुरु की वाणी हो मेरे गुरु की वाणी जग कल्याणी कहती माजिन वाणी मेरे गुरु की वाणी मेरे गुरु की वाणी। गया से जो नव युवक मंडल के सदस्य आए हैं वो सभी यहाँ पर आकर गुरु चरणों में अर्घ समर्पित श्रीफल समर्पित करेंगे। ओम ह्रूम नमो आयरियाणम श्रीमद आचार्य परमेष्टि विशुद्ध सागर मुनिवरेभ्यो अनहर्ग पद प्राप्ते अर्घम निर्विपामिते स्वाहा। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। अब जितने भी लोग खड़े हैं वो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। परम पूज्य पद की जयमाला को यहाँ संपन्न करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। छोटे से रूप में हम चार पंक्तियाँ प्रारंभ के और चार पंक्तियाँ अंत के लेके हम जयमाला को पूर्ण करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। तुमको पाकर हो गया भारत वर्ष निहार रत्नात्र चिंतामणि गाओ सारे के सारे भक्त मिलके पुकारो सारे के सारे भक्त मिलके पुकारो बड़े बाबा दिखा दो कमाल छोटे बाबा दिखा दो कमाल अपनी नजरिया मन के उठा दियो कर दियो माला माल अपनी नजरिया सारे के सारे भक्त आप लोगों को आनंद नहीं आ रहा क्या तो सभी के हाथों से तालियों की आवाज आनी चाहिए पंडित जी को आनंद नहीं आ रहा क्या सारे के सारे भक्त मिलके पुकारो बड़े बाबा देखा दो कमाल अपनी नजरिया तन कई उठा दियो कर दियो माला माल अपनी नजरिया तन कई उठा दियो कर दियो माला माल चैतन्य धातु से निर्मित हो क्या मात पिता का नाम कहो सिद्धात्म प्रदेशों में जन्मे क्या नगर शहर क्या ग्राम कहो दश लक्षण धर्म सरोदर है रत्नात्र मित्र निराला है समता बना राखी बांधे अनुपेक्षा माने पाला है निर्ग्रंथ साधु की यह पूजा सच्ची रत्नात्र पूजा है ना ख्याति नाम से यह पूजा ना ख्याति नाम को पूजा है तीन ओन नव कोटि मुनि जिनके समान ना दूजा है हरिहंत प्रभु के बीज रूप शिव पद पंथी को पूजा है अरे सारे के सारे भक्त मिलके पुकार बड़े बाबा दिखा दो कमाल छोटे बाबा दिखा दो कमाल अपनी अपनी नजरिया तन के उठा दियो कर दियो माला। गया से बहुत बचे।
बच्चे छोटे बाल गोपाल लोग भी आए हैं, सभी लोग आइए, एक दो लाइन की भक्ति पंखीवाला का यह अर्घ उसी 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 समाज उस समस्त गया समाज एवं चत्रावासी सभी आकर के हाथ लगाएंगे और श्रीफल अर्पित करेंगे। हाँ पंखीड़ा हो पंखीड़ा 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 तू उड़ के आना चंडी स्थान रे, पंखीड़ा तू उड़ के आना चंडी स्थान रे, गुरुजनों से कहना तेरे भक्ति आए हैं, गुरुजनों से कहना तेरे भक्ति आए हैं, पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा। ओम हिरूम नमो आयरियाडम श्रीमद आचार्य परमेष्ठी विशुद्ध सागर मुनि बरेभ्यो। जयवंत ओम हिरूम नमो आयिर्याडम श्रीमद आचार्य परमेष्ठि विशुद्ध सागर मुनिवरेभ्यो जयमाला पूर्णार्घम निर्विभावेति स्वाहा। गुरुवर सम्यक दर्शितो गुरुवर सम्यक ज्ञान गुरुवर सम्यक चारित्रिदो गुरुवर दो निर्माण इत्यादि आशीर्वाद। हाँ अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर यथा व्यवस्थित बैठ जाएंगे और अब हमारे बीच में छतरपुर से ब्रह्मचारी निखिल भैया जी के परिवार के जो भी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन सभी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ निखिल भैया जी की चरणों में। हाँ उनके परिवार के जो भी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आरती बाद में होगी, अभी आप लोग बैठ जाओ, प्रवचन के बाद होगी। हाँ बजा दो उसको। आप सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। छतरपुर से निखिल भैया के परिवार महावीर भैया और अड़ोसी पड़ोसी जो भी आए हों वो सभी जो भी छतरपुर से यहाँ पर आए हैं वो सभी आएंगे और निखिल भैया के भावों की निखिल भैया के भावों की अनुमोदना करेंगे और साथ ही छतरपुर से जो भी पधारे हैं वो गुरु के कर कमलों में जिन वाणी माँ को भेंट करके अपने ज्ञान दीप को जलाएंगे और बिनी भैया आएंगे वो हमारे निखिल भैया जी का तिलक करके उनका अभिवादन करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ निखिल भैया जी को गुरु चरणों में वो अपने भाव व्यक्त करें। परम पूज आचार्य भगवान 108 विशिष्ट सागर जी महाराज की जय। एक बीज होता है उसको किसान बोने जाता है खेत में और फिर उसको छोड़ देता है खेत में, बीच बीच में मिट्टी और पानी देता रहता है। जो आपके सामने यह बीज दिख रहा है यह आज ही के दिन 2013 में आचार्य भगवान के समक्ष निवेदन किए थे
संघ प्रवेश किए, आचार्य भगवान ने कहा अभी आप पढ़ाई करो, तो मैं पढ़ाई करने लगा। फिर बीच बीच में आचार्य भगवान का मार्गदर्शन मिलता रहा, आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिलता रहा और एजुकेशन हो गई। फिर बीज बड़ा हो गया, पौधा हो गया, फिर वह वैशाली में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संघ प्रवेश हुआ। और पिछले साल आज ही के दिन हमने अणुव्रतों को धारण किया था और आज 31 मार्च 2022 को हम अखंड वस्त्रों को धारण करने वाले हैं। और आचार्य भगवान से प्रार्थना है कि आज ही के दिन अगले साल भव्य जैनेश्वरी दीक्षा हमको प्रदान करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय ब्रह्मचारी जयकृत भैया जी को आचार्य श्री के विषय में कुछ अपना विवेचन दें, अपना अनुभव बताएं। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य संघ की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी से आज देश का बच्चा बच्चा परिचित है। आज मुमुक्षु समाज में भी एक बात बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है कि यदि निर्ग्रंथ मुनियों में, निर्ग्रंथ आचार्यों में यदि कोई समय सार पर डंके की चोट पर बोलता है तो वह एक ही नाम आता है और वो नाम है आचार्य विशुद्ध सागर जी का। जैसा कि आप गुरुवर की मुख मुद्रा को देखकर समझ सकते हैं कि गुरुवर के मुख मंडल पर सदा सदा ही समता का वास रहता है। और ऐसे गुरुवर की जब चर्या, आहार चर्या कोई देखता है, तोड़ी फतेहपुर की एक घटना है कि वहाँ पर विद्युत संगोष्ठी चल रही थी। उस विद्युत संगोष्ठी में दो बड़े विद्वान, मूर्धन करणानियोग के विद्वान बाहर खड़े होकर गुरुवर की आहार चर्या देख रहे थे। आहार चर्या आप सभी ने देखी है कि गुरुवर की दृष्टि केवल अपने कर पात्र पर रहती है और जमीन पर जो पात्र है उस पर रहती है। तो विद्वानों के शब्द थे कि यदि हमने भगवान महावीर को इस धरती पर देखा होता और उनकी यदि हम चर्या देख रहे होते तो इससे और अच्छी चर्या क्या हो सकती है। देखिए आप, विद्वान यदि किसी की प्रशंसा करे वास्तव में वो प्रशंसनीय होता है, क्योंकि जो सरस्वती पुत्र होते हैं व्यर्थ में किसी की प्रशंसा उनके मुख से निकलती नहीं। परंतु गुरुवर का आचरण ऐसा है कि जो हर कंठ को बाचाल बना देता है प्रशंसा करने के लिए। गुरुवर के एक दो दृष्टांत मैं आपको देना चाहता हूँ। जब गुरुवर का आचार्य पदारोहण हुआ, जब गुरुवर ने प्रथम तीन क्षुल्लक दीक्षा दी, प्रथम शिष्य मनोज्ञ सागर जी द्वितीय शिष्य के रूप में थे, प्रमेय सागर जी और तृतीय शिष्य के रूप में मुनि श्री प्रसम सागर जी, तीनों क्षुल्लक साथ में और गुरुवर का विहार हुआ। जब गुरुवर कोथली पहुंचे तो वहां पर किसी ने
एक श्रावक ने आकर कहा कि यहाँ तो चौका नहीं लगता, यहाँ पर चौका नहीं लगता, आप क्षेत्र पर जाएं। और क्षेत्र पर एक मुनिराज थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था यहाँ चौके की कोई व्यवस्था नहीं, आप शहर में जाएं। फिर गुरुवर ने कहा उन श्रावकों से कि आप चिंता मत करें, हम साधु साधना के लिए बने हैं, भोजन के लिए नहीं, हम यहीं रहकर धर्म आराधन अपनी दैनिक चर्या करेंगे। और गुरुवर ने अपने तीनों शिष्यों से पूछ लिया कि उपवास कर सकते हो क्या, तो स्वाभाविक रूप से तीनों शिष्यों ने हाँ कहा। और फिर गुरुवर ने अपनी करुणा दिखाई, अपना अनुभव दिखाया और कहा अभी उपवास नहीं लेना है, अभी तो हम सामायिक करते हैं, सामायिक के उपरांत देखते हैं क्या होता है। जैसे ही गुरुवर की सामायिक समाप्त हुई, वही पंडित आता है और गुरु चरणों में निवेदन करता है कि स्वामी जी आप शुद्धि करें, चौका तैयार है। तो आप देखिए समता का कितना अच्छा परिणाम होता है। आपको हम वहाँ के हालात बयां कर दें कि कर्नाटक के ऐसे हालात हैं कि यदि मंदिर खुला है तो दिन भर आप मंदिर के दरवाजे पर बैठे, पता चला कि एक भी व्यक्ति आया नहीं, जबकि वहाँ पर 500-500 घर की समाज होती है। कारण कुल इतना है कि किसान हैं, खेतों में गृह चैत्यालय बना रखे हैं, वहीं पर श्री जी को रखकर पूजा अभिषेक कर लेते हैं। जो नगर का मंदिर होता है वहाँ प्रायः करके त्योहार के त्योहार लोग आते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि मनोज्ञ सागर जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो वहाँ का जो पंडित था स्वास्थ्य खराब हो गया, तो एक दिन रुकना पड़ा। तो वो पंडित है आचार्य श्री के पास आता है और गुरु चरणों में निवेदन करता है कि स्वामी जी आप लोग बिहार कब करेंगे। तो आप देखिए कि ऐसी परिस्थिति में किसी को भी रोष आ जाए, परंतु गुरुवर की समता देखिए कि बड़े प्रेम से उससे कहा कि देखो छुल्लक जी बीमार हैं, ऐसी स्थिति में बिहार कैसे हो सकता है। आप देखिए वहाँ की स्थिति भी क्या थी कि वो पुजारी पूछता है यदि बीमार हैं चल नहीं पा रहे तो आप इनको टैक्सी में लेते जाओ। तो गुरुवर ने कहा कि हमारे छुल्लक जी टैक्सी में नहीं चलते, त्याग कर दिया है वाहन का। फिर उसने दूसरी बात कही कि तो फिर एक काम करो, आप रिक्शा बुला देता हूँ, आप रिक्शा में ले जाओ। फिर गुरुवर ने फिर कहा कि रिक्शे में भी नहीं चलते। फिर उसने तीसरा उत्तर दिया थोड़ी देर सोचकर कि फिर एक काम करो आप साइकिल में ले जाओ। कुल मिला के भाव ये था कि आप ले जाओ। हमारे साथ में एक विदिशा का लड़का था जो निरंतर विहार करा रहा था, सौरभ विदिशा। उसने उसको आचार्य श्री ने बुलाया कि जाओ तुम यहाँ का जो अध्यक्ष है उसको समझाओ, उसको यह सारी स्थिति बताओ। सौरभ गया और उसने अध्यक्ष को बताया। अध्यक्ष ने पुजारी से कहा कि जब तक महाराज रुके हैं किसी को कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं। फिर शांति से हम लोग दो दिन रुके और फिर निकल लिए। एक अंतिम बात और मैं बताना चाहूँगा, गुरुवर की करुणा दृष्टि कितनी महान होती है। आप लोगों से जैसा कि मैंने कहा कि गुरुवर कहाँ देखते हैं आहारचर्या में, केवल अपनी अंजलि और पात्र में देखते हैं, परंतु गुरुवर की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण है कि आपको जो पता नहीं उस कमरे में क्या कहाँ है वो सब गुरुवर के मुख से आप सुन सकते हैं। एक दिन की घटना घटती है कि तीनों छुल्लक तो बैठकर आहार ले रहे थे और गुरुवर खड़े होकर ले रहे थे, तो पता था कि चौके में कितनी रोटियां हैं। तो क्या हुआ, आचार्य श्री ने केवल दो रोटी ली और आहारचर्या समाप्त करके बैठ गए। बाद में पूछा कि आपका आहार बहुत जल्दी हो गया, तब गुरुवर ने बताया कि चौके में 10 रोटियां ही थी। तो हमने सोचा कि छुल्लक जी को अंतराय है तो कुछ तो पेट में जाना चाहिए सबके। तो इस तरह की स्थितियों में भी आप देखिए
ये एग्जाम्पल है इस पृथ्वी पर। यदि वर्तमान में हम कहें वर्धमान जैसी कोई चर्या करता है तो वो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर है। ऐसे गुरुवर की हम सभी अब मंगल देशना सुनने को लालायित हैं। तो मंगल देशना सुनने से पूर्व मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा एक दृष्टि बनाकर रखना कि वर्तमान में वर्धमान को, हाँ एक बात जो मैं भूल रहा हूँ वह भी बता देता हूँ कि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का जो हम आचार्य पदारोहण मनाने जा रहे हैं, उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा भिंड शहर की नसिया जी में हुई है और एलक दीक्षा गुरुवर ने पन्ना जिले में प्राप्त की। एलक दीक्षा के का भी एक बहुत ही मनोरम दृश्य रहा कि गुरुवर बहुत ही बीमार थे, अस्वस्थ थे, ऐसी हालत थी कि लग रहा था कि कहीं समाधि ना हो जाए। ऐसी हालत में गुरुवर को विचार आया कि कहीं मैं लंगोटी के साथ ही ना चला जाऊं। तो एलक दीक्षा जो पन्ना में हो चुकी थी उसके उपरांत श्रेयांश गिरी में जब अस्वस्थ हुए तो गुरुवर ने आचार्य भगवान विराग सागर जी को निवेदन किया कि हे भगवान हमें आप मुनि बना दें, कहीं लंगोटी में ही प्राण ना निकल जाए। और आप देखिए आचार्य भगवान विराग सागर जी की भी असीम अनुकंपा कि उन्होंने अस्वस्थ हालत में भी गुरुवर को मुनि बना दिया। और आप संयम का चमत्कार देखेंगे कि जहाँ गुरुवर से बैठते नहीं बन रहा था वहाँ जब दीक्षा के संस्कार हुए तो 4 घंटे तक बैठे रहे और एक विद्वान उनकी पीछे से पीठ में हाथ लगाकर बैठे रहे क्योंकि उनको पता था कि अस्वस्थ हैं। फिर उसके उपरांत आचार्य भगवान का आचार्य पदारोहण दिवस औरंगाबाद में हुआ। आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य विभव सागर जी और आचार्य विमत सागर जी 3 मुनिराजों को आचार्य गुरुवर विराग सागर जी ने आचार्य पद पर आरोहित करके इस जगत को महानतम आचार्य विशुद्ध सागर के रूप में एक अद्वितीय आचार्य दिए, जिन्होंने अभी तक लगभग 40-45 मोक्षों को निर्ग्रंथ दीक्षा देकर के मोक्ष मार्ग पर चलाया है। ऐसे गुरुवर के चरणों में अब हम चलते हैं। छतरपुर के युवा वर्ग ईसा नगर में छतरपुर के जो पास स्वाध्याय मंडल के सभी युवागण यहाँ पर आकर 13 मई से 17 मई तक जो गुरुवर के सानिध्य में पंच कल्याणक होने जा रहा है ईसागढ़ में, उसकी पत्रिका का यहाँ विमोचन करने के लिए आ रहे हैं। नाम है श्री अखिलेश जी जज साहब, बिहार धार्मिक बोर्ड अध्यक्ष, वो भी यहाँ आएंगे और साथ में हाँ और पन्नू भैया सेठी जी, कन्हैया लाल जी औरंगाबाद, पन्नू लाल जी गया बाले और नरेंद्र जी पन्ना कोलुआ पहाड़ के जो अध्यक्ष हैं, डॉक्टर विजय जी वो भी यहाँ आएंगे, स्वाध्याय मंडल छतरपुर संयम भैया गया, कैलाश पाटनी जी दुर्ग और दिल्ली से जो भी गुरुभक्त परिवार पधारे हैं वो सभी यहाँ आकर के पत्रिका का विमोचन करेंगे, गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण करेंगे और गिरिडीह समाज से भी जो आए हैं वो भी गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीष ग्रहण करेंगे। हाँ सभी लोग ताली बजाकर इस पंच कल्याणक की पत्रिका
का विमोचन, गिरिडीह से महिला मंडल जो आए हैं वो भी यहाँ आकर गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीष ग्रहण करेंगे। यह पत्रिका जो विमोचित हुई है आपके सामने, यह छतरपुर के पास ही ईसा नगर वहां पर आप सभी उपस्थित होकर के धर्म लाभ लें। और एक बहुत सुंदर सी बात है, प्रेरणादायक, कि स्वाध्याय मंडल के जो बच्चे हैं छतरपुर वाले, उन्हीं लोगों ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया है। ऋषभ जी काला जो गया से आए हैं वो भी यहाँ आकर के गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीष ग्रहण करेंगे। अब हम सारी औपचारिकताओं को यहीं पर विराम देकर सीधे चलते हैं गुरु चरणों में, निवेदन करते हैं प्रवचन के लिए। प्रवचन के उपरांत गुरु आरती होगी, आरती के पूर्व हम भगवान